मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। रात की प्रार्थना में आप सबका हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं यीशु के नाम से। प्रभु में आप सब आनंदित होंगे, ये मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है चाहे सुख हो चाहे दुख हो, परमेश्वर का हमेशा धन्यवाद करते रहो। हालेलुया, क्योंकि आइए हम आपके सामने एक वचन पढ़ता हूँ। वचन संहिता 34 अध्याय वचन 8, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हालेलुया, तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे, ब्लेस करे। परमेश्वर का वचन कहता है परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। हालेलुया, आप जानते हो परमेश्वर की युक्तियों को, और परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है जो मनुष्य नहीं हो सकता। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो एक जीवित परमेश्वर कर देता है। हालेलुया, जब हम मत्ती मरकुस की पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है जैसा तेरा विश्वास हो वैसा तेरे लिए हो। हालेलुया, तो बहुत अद्भुत रीति से लोगों को चंगाई मिले। जब हम देखते हैं उस 12 वर्ष जिसे लहू बहने की बीमारी थी उस स्त्री को, तो उसका क्या विश्वास ही तो था, उसका विश्वास अटल था। और ये चाहती थी, सोचती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। आप सोचो, परमेश्वर पर ध्यान करो और परमेश्वर से प्रार्थना करो आज की शाम, जैसे कि प्रभु जी आपने उसे चंगा किया, मुझे भी चंगा करो। तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा जब अपने आप को नम्र करेंगे, दीन करेंगे, क्योंकि परमेश्वर नम्र लोगों की ओर, प्रार्थना की ओर मुँह करता है और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं सोच जानता। हालेलुया, परमेश्वर महान है और वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। यशायाह की जब हम पुस्तक पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है, क्या यह हो सकता है कोई माँ अपने दूध पीते हुए बच्चे को भूल जाए, या जिसे जन्म दे उस पर तरस ना खाए। हाँ, वो तो भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूँगा ना कभी त्यागूंगा। तो परमेश्वर आपके साथ है, ये आप हमेशा याद रखो। और उसको सम्मुख जान के कि परमेश्वर हमारे साथ है, तो हम कोई ऐसे कार्य ना करें जो परमेश्वर हमसे दूर हो जाए, परमेश्वर की उपस्थिति हम पर से हट जाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो हम उसके भय में हर एक दिन हर एक पल को बिताएं, जिससे परमेश्वर हमारी सहायता करे। हालेलुया, तो आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया, 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 धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हे मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी, हम अपने आप को नम्र करते हैं, दीन करते हैं। पिता परमेश्वर, आते हैं आपके पवित्र चरणों में यीशु के नाम से। प्रभु जी, आपने मुझे दिन भर संभाल के रखा। पिता परमेश्वर, आने जाने में प्रभु जी आपने मेरी मदद और सहायता की। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार प्रभु जी आपके नाम को महिमा देते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं। प्रभु जी, जाने अनजाने में जो भी गुनाह अपराध हुआ हो, मेरे पिता परमेश्वर, हमें क्षमा करना और अपने अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनाए रखना। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने हमारे घर परिवार को सुरक्षित रखा। प्रभु जी, हर एक रोग से, हर एक बीमारी से प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, सुनने वाले हर एक भाई बहन को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, जैसे आपने उन्हें अब तक संभाल के रखा, प्रभु जी आगे
भी संभाल के रखना प्रभु जी। हर एक उस टेंशन को प्रभु जी, जिस किसी के वजह से कोई आपका बेटा बेटी प्रभु जी आपके दास दासी लेके बैठे हैं प्रभु जी, आप उनसे बात करें, क्योंकि आपका वचन कहता है परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। यश पिता परमेश्वर, हालेलुया प्रभु जी, महिमा हो पिता परमेश्वर। हम सब प्रभु जी आपके शरण में बैठे रहे पिता परमेश्वर, आपके छाए हुए स्थान में बैठे रहे, आपकी कृपा आपकी दृष्टि हम पर बनी रहे मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। यदि कोई रोगी मनुष्य प्रभु जी इस समय को वीडियो देख रहा है पिता परमेश्वर, हम उसके लिए प्रार्थना करते, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु जी तूने जो मुझसे स्नेह किया है प्रभु जी, तूने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे ऊंचे स्थान पर रखूंगा, तू जब मुझे पुकारे तब मैं तेरी सुनूंगा। यदि कोई भी भाई बहन पिता परमेश्वर इस समय प्रभु जी अपने बोझ को प्रभु जी आपको दे रहा है पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी वो चंगाई पा रहा है यीशु के नाम से प्रभु जी, वो ब्लेसिंग पा रहा है यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, उनके जीवन से वो परिस्थिति पिता परमेश्वर जो कमजोर करती है जाती रहे यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। महिमा आपको मिले प्रभु जी, बड़ाई आपको मिले पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन सभी भाई बहनों के लिए मेरे पिता परमेश्वर, कलीसिया परिवारों के लिए मेरे पिता परमेश्वर, जो प्रभु जी हर एक दिन प्रभु जी आपका वचन सुनते हैं पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेस करना पिता परमेश्वर, ऐसा हृदय ऐसा मन देना पिता परमेश्वर कि वो आपसे प्रेम रख सकें, जिससे एक दूसरे से भी प्रेम कर सकें प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं आपके दास दासियों के लिए, जो प्रभु जी आपका शांति का सुसमाचार हर एक जन हर एक गांव तक पहुंचाना चाहते हैं प्रभु जी, आप उनकी मदद और सहायता करें, पवित्र आत्मा जी उनकी अगुवाई करें। यदि वो घर पर आ गए हो तो पिता परमेश्वर उन्हें एक अच्छी नींद दें पिता परमेश्वर, और हर एक उन दुख चिंताओं से दूर करें, क्योंकि आपका वचन कहता है अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दे वह उसे पूरा करेगा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर की महिमा हो, सब भाई बहन पिता परमेश्वर प्रभु जी आपको अपनी चिंता बता सकें पिता परमेश्वर, ऐसा हृदय ऐसा मन देना मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, एक अच्छी नींद देना पिता परमेश्वर, और सुबह का फजल दिखाना प्रभु जी, और जो मार्ग में रह गए हैं पिता परमेश्वर, जिस किसी घर में ठहरे हों पिता परमेश्वर, जिस घर में उनका आदर हुआ हो पिता परमेश्वर, आशीष दो वो घर के लोग प्रभु जी, वो घर वो जगह वो जमीन पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके दास दासियों का, आपके हाथों में सौंपते, आपके सम्मुख रहकर पिता परमेश्वर आज की रात बिताने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं जिससे प्रभु जी सुबह उठकर प्रभु जी अधूरे कार्यों को पूरा कर सकें प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपकी बड़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु जी। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी जब हम सोएं तो पिता परमेश्वर एक प्रभु जी तेरी पिता परमेश्वर सिक्योरिटी में सोएं पिता परमेश्वर, तेरी अनुग्रह तेरी दृष्टि में रहें पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक शैतानी आत्मा, हर एक बुखार की आत्मा, हर एक प्रभु जी उन अचानक रोगों से आने वाले की आत्मा यीशु के नाम से दूर करता हूँ प्रभु जी। आपके कब्जा में आपके सरल स्थान में हम लेटे रहें पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप पर भरोसा करते रहें पिता परमेश्वर, क्योंकि तू ही है जो मुझे एकांत में निश्चिंत रहने देता है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा आपको देते, आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु जी, मांगते हैं आपसे यीशु के नाम से, आमीन आमीन।